इस कार्यक्रम के प्रायोजक है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे जो इस बीच सामने आ रही है। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है आज, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। टैंकर और टेम्पो की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। घने कोहरे के चलते यह हादसा हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे का लिया संज्ञान, अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 12 लोगों की इसमें मौत हुई है। बड़ी घटना पेश आई है शाहजहांपुर में आज सुबह, और बताया जा रहा है कि जो तेज रफ्तार टैंकर था उसने टेम्पो को टक्कर मारी, और टक्कर इतनी ज्यादा तेज और भीषण थी कि टेम्पो के परखच्चे ही उड़ गए। जो टेम्पो की छत होती है वो उड़ गई। जो अंदर बैठे लोग थे मौके पर ही सभी ने दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि जो शव थे वो कई दूर तक भी उड़ते हुए दिखाई पड़े, रगड़ते हुए गए। टेम्पो और टैंकर की ये भीषण टक्कर हुई है शाहजहांपुर में आज सुबह। 12 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई इस भीषण सड़क हादसे में। और जैसा कि माना जा रहा है कि घना कोहरा जो है वो इस हादसे की कहीं ना कहीं वजह है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया और तमाम अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। टेम्पो में 12 लोग सवार थे, जिनमें पुरुष, महिलाएं, और बताया जा रहा है कि एक बच्चा भी इसमें शामिल था, और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। बजे ये अल्लागन थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम सुखसुगी है, इसके पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक कंटेनर और एक ऑटो के बीच में जो कोहरे के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें करीब 12 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, जिसमें 8 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं और एक बच्चा है। जो अभी तक प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये है कि ये सभी लोग जो दमगड़ा ग्राम है मदनापुर का, वहाँ से जो आपका पंचाल घाट है वहाँ पर स्नान के लिए जा रहे थे। इन्होंने गांव से ही अपना जो टेम्पो है वो किया था और उसके बाद वहाँ से ये आ रहे थे, तो यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के बाद में जो 12 लोग हैं उनकी कैजुअलिटी है, उनको हमने पीएम के लिए भेजा है। मौके पर सभी अधिकारीगण हैं, उनका जल्द से जल्द पीएम करवाया जाएगा और साथ में जो गंभीर धाराएं हैं उनमें मुकदमा भी लिखा जाएगा। और शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी राजीव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी घटना को लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, यह बेहद ही दुखद हादसा आज सुबह सामने आया है शाहजहांपुर से। जिस तरह से पुलिस ने भी जानकारी दी है कि पुरुष भी थे, महिलाएं भी थीं और एक मासूम बच्चा भी इस पूरे ऑटो में सवार था, घटना के पीछे कारण क्या रहे? चूंकि घना कोहरा बताया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर ट्रक की रफ्तार बहुत तेज रही होगी, जिस वजह से स्थिति इतनी ज्यादा खराब होगी कि मौके पर ही सभी लोगों ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें के दम जरा जाओ राजीव लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर तमाम जो लोग हैं, आला अधिकारी हैं, मौके पर पहुंच गए हैं। घटना की जानकारी लगने के बाद सीएम द्वारा खुद इस मामले का संज्ञान लिया गया था। दरअसल स्नान करने घाट पर ये सभी लोग जा रहे थे, गांव से ही ऑटो को किराए पर लिया गया था, लेकिन इस बीच ये बड़ी घटना पेश आ गई। टेम्पो ने एक ऑटो को टक्कर मारी, टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो की छत पूरी तरह से उड़ गई, कई लोग टेम्पो में फंस गए और जिनको निकाला गया कड़ी मशक्कत के बाद। राजीव शुक्ला हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, इस घटना को लेकर क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? कहां के रहने वाले थे? और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो ट्रक चालक था वो फरार हो गया है, उसको ढूंढने के लिए पुलिस क्या कुछ कर रही है? आपको बता दें कि मदनापुर थाना क्षेत्र के दमगड़ा गांव से सुबह 8:30 बजे एक ही गांव के परिवार के कई लोग गंगा स्नान जा रहे थे फरुखाबाद में, और रास्ते में घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो में टक्कर मार दी। टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और वहां टेम्पो में सवार 12 लोगों की मौत हो गई, उसमें 8 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। हालांकि मौके पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और
जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह पहुंचे, उन्होंने जायजा दिया और परिजनों को सांत्वना दी। और अभी सूचना मिल रही है कि एडीजी बरेली भी घटना स्थल पर पहुंचने वाले हैं। राजीव, लेकिन जिस तरह से तमाम चीजों को लेकर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, इस वक्त पूरे उत्तर भारत में सर्दी है, कोहरा है, लगातार लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है कि गाड़ी संभाल कर चलाइए, लेकिन उसके बावजूद भी इस बड़ी घटना का सामने आना क्या कारण है? क्या गाड़ी की रफ्तार निश्चित तौर पर तेज रही होगी? देखिए, ट्रक की रफ्तार तेज थी और टेम्पो चालक भी हो सकता है कि मतलब जो है ट्रक को देख ना पाया हो, और कोहरे की वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि ये स्टेट हाईवे है वहां का, और यहाँ पे गंगा स्नान पर जब जाते हैं तो टेम्पो में सवारियां जो है 12 सवारियां थी और अचानक ट्रक सामने आ गया और जिससे बड़ा हादसा वहां पर हुआ। और बिल्कुल राजीव, कहीं ना कहीं बेहद ही दुखद घटना ये सामने आई है, जिस तरह से 12 लोगों की मौत हो गई इस दर्दनाक हादसे में। लेकिन जिस तरह से एहतियात बरतने के लिए प्रशासन लगातार कहता है, उन तमाम नियमों का उल्लंघन किया जाता है और उसकी वजह से इस तरह की बड़ी घटनाएं पेश आती हैं। राजीव, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री ने भी इस घटना को लेकर संज्ञान लिया है और तमाम बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे, और बताया जा रहा है कि मामले में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ट्रक चालक के खिलाफ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है, हलाल सर्टिफिकेट पर कार्रवाई का मामला और इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जमीयत उलेमा हिंद को सुप्रीम कोर्ट से मिली है राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हलाल सर्टिफिकेशन पर कार्रवाई का यह मामला है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से जमीयत उलेमा हिंद को राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बीते दिनों जमकर विवाद हुआ था, जबरदस्त तरीके से लोगों में रोष भी दिखाई पड़ा था, और उसके बाद अभी मामला जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो हलाल सर्टिफिकेशन के मामले में जमीयत उलेमा हिंद को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुलंदशहर के दौरे पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करते नजर आएंगे लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में, और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही बुलंदशहर पहुंच गए थे। नवादा गांव में होगी पीएम मोदी की बड़ी रैली, और जिसमें माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। लेकिन इस जनसभा से पहले करीब 20,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी जानी है आज। और हमारे सहयोगी अनुप हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा ताजा जानकारी के साथ। अनुप, कितना महत्वपूर्ण है आज का पूरा कार्यक्रम? बताया जा रहा है 2014 के बाद 2024 में पीएम मोदी बुलंदशहर में हैं, और जिस तरह से 2014 से 24 में जो पूरी तरह से बदल गया है पूरा उत्तर भारत, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, और आज का यह कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण, पश्चिम से पूरे प्रदेश को साधने की तैयारी एक तरह से पीएम की आज? हाँ बिल्कुल रितेश, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब पूरे देश में सरकार बनी थी उसके बाद से अभी तक लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां की है, लेकिन 2024 की ये पहली संखनाद रैली कही जा सकती है, संखनाद जनसभा कही जा सकती है, जो बुलंदशहर से इस बार शुरुआत किया है। हालांकि पिछले 2019 की बात करें तो पूर्वांचल से उसका संखनाद किया था, लेकिन इस बार कुछ समीकरण दूसरे हैं। उत्तर प्रदेश से उम्मीदें ज्यादा हैं, उत्तर प्रदेश से जो संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी है 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए 2022 विधानसभा चुनाव में। जब चुनाव में पश्चिम में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं एक वहां पर उभर के सामने आया था। इस बार वहां समीकरण दूसरे बन चुके हैं, क्योंकि अभी हाल में आपने देखा भी होगा कि गन्ना किसानों के लिए 20 रुपए प्रति क्विंटल पर सरकार ने जो रेट बढ़ाए हैं, और पश्चिम में ज्यादातर गन्ना ही किसान हैं। पिछले 2022 के पहले जब किसान आंदोलन हुआ था उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पश्चिम में अपनी पिच मजबूत कर ली, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पश्चिम से पूरे देश के चुनाव के
शंखनाद करने जा रहे हैं। अनुप, हालांकि इस बार परिस्थितियां काफी अनुकूल नजर आ रही हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखें, जिस तरह से पूरा देश उत्तर प्रदेश राममय नजर आ रहा है, उसके साथ साथ विकास के तौर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के माध्यम से विकास हो रहा है, आर्थिक स्थिति में बेहतर लाने का प्रयास हो रहा है, इस लिहाज से देखा जाए तो 2019 के मुकाबले 2024 में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद भाजपा को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रहने जा रही, चूंकि पिछली बार सपा और बसपा को चार चार सीटें यहां मिल गई थी। बिल्कुल नितेश, बिल्कुल सही बात है कि 2019 की अगर बात करें तो वहां समीकरण दूसरे थे, उस समय जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ में लड़ी थी, उसके बाद आपने देखा था कि बीएसपी को एक फायदा जरूर हुआ था, लेकिन इस बार चूंकि आपने देखा पूरा विश्व आस्था का केंद्र अयोध्या बन चुका है और इस समय राम नाम की लूट है और राम नाम की हवा में बहुत सारे लोग बह गए हैं और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। और आपने देखा भी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद 26-25 तारीख को चुनाव। कुल मिलाकर आज का जो कार्यक्रम है, जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अनुप, माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर यही है कि आज प्रधानमंत्री बुलंदशहर में हैं और यहां पर एक रैली को भी संबोधित करेंगे, रैली से पहले करीब 20,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, आपको बता दें कि बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है और अनुमान के मुताबिक करीब 1,00,000 लोगों के इस रैली में आने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि परिस्थितियां काफी अनुकूल नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भले ही चुनौती देने का प्रयास है इंडिया अलायंस के तौर पर, लेकिन वो बनता बिगड़ता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से रैली स्थल की, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, प्रधानमंत्री मोदी के आने का भी जो समय है वो लगभग पूरा हो चुका है, करीब 1:50 का समय बताया गया था प्रधानमंत्री के आगमन का। प्रधानमंत्री दरअसल आज दो जगहों पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, बुलंदशहर के बाद राजस्थान जयपुर में होंगे, लेकिन उससे पहले ये बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस तरह से महत्वपूर्ण है, 27 लोकसभा की सीटें इस पूरे क्षेत्र में करीब पड़ती हैं, 2019 में 8 सीटें बीएसपी और एसपी के खाते में गई थी। प्रदर्शन को और बेहतर करने की उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, पूरा देश राममय नजर आ रहा है और उसी के साथ साथ इस तरह से तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से और करीब 20,000 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। एक तरह से चुनावी शंखनाद के तौर पर आज के कार्यक्रम को बुलंदशहर से जो हो रहा है उसे देखा जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मुख्यमंत्री कल ही बुलंदशहर पहुंच गए थे तैयारियों को लेकर। ज्यादा जो फायदा है वो आम लोगों को ही मिलेगा, चाहे हम रेल उसके ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसके अलावा जी नीरज, तो जैसा कि आप बता रहे हैं किस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और नीरज हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जितने तो प्रधानमंत्री मोदी सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और पीएम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी चीफ इस गाड़ी में नजर आ रहे हैं। सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी हाथ हिलाकर यहां पर करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी, जिसमें मेडिकल कॉलेज शामिल है, जिसमें एक हाईवे शामिल है, अलग अलग विभागों से संबंधित ये विकास कार्य रहने जा रहे हैं, जिसमें कुछ का लोकार्पण, कुछ का शिलान्यास होगा। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है, जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुप ने बताया, 2014 के बाद प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वाराणसी की, वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे रिपोर्ट का मामला और रिपोर्ट लेने के लिए हिंदू पक्ष ने आवेदन कर दिया है। विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी ने आवेदन किया है, हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं। अधिवक्ता ने आज सर्वे की कॉपी मिलने की उम्मीद भी जताई है। कॉपी मिलने के बाद पक्षकार करेंगे रिपोर्ट की स्टडी और खामियां होने पर आपत्ति भी दर्ज कराई जाएगी। बिना शर्त पक्षकारों को मिलेगी सर्वे की कॉपी, पब्लिक डोमेन में भी आ सकती है ऐसा भी माना जा रहा है। हालांकि क्या पब्लिक डोमेन में आने की अनुमति मिलती है
इसको लेकर संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन हिंदू पक्षकारों की ओर से एएसआई सर्वे की हार्ड कॉपी लेने के लिए आवेदन दाखिल कर दिया गया है और उम्मीद है कि आज ही ये हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। बहुत कुछ खुलासे होने की उम्मीद कर रहे हैं तमाम लोग इस पूरे मामले में। एएसआई ने करीब 100 दिनों तक वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया था, साइंटिफिक तरीके से सर्वे किया गया था और सैकड़ों की संख्या में पेजों में ये एएसआई सर्वे की रिपोर्ट है। अब ऐसे में हिंदू पक्ष को कितनी देर में मिलती है, चूंकि उम्मीद आज ही मिलने की है। हिंदू पक्ष चाहता है कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वाराणसी से हमारे साथ फोनलाइन पर। धर्मेंद्र, बड़ी खबर है, हिंदू पक्षकारों की ओर से आवेदन दाखिल कर दिया गया है एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को लेकर, क्या अनुमान है, आज ही मिल जाएगी क्या? देखिए रितेश, फिलहाल में जो कोर्ट ने कहा था और कोर्ट के जिला न्यायाधीश वाराणसी अजय कुमार विशेष ने आदेश दिया है, आदेश की कॉपी में स्पष्ट है कि दोनों पक्षों को हार्ड कॉपी दी जाए और उसके साथ साथ आज लगभग लंच के बाद, दोपहर के 2 बजे के बाद पूरी संभावना जताई जा रही कि कोर्ट की रिपोर्ट जो एएसआई की 90 दिनों का जो सर्वे चला है उसमें 36 दिनों की रिपोर्ट जो तैयार हुई हुई है, रिपोर्ट 18 दिसंबर को जिला न्यायाधीश अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था, उसको आज जो है सुपुर्द किया जाएगा। तो जिसको लेकर वाराणसी कोर्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ हलचलें तेज हो गई हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उसके साथ साथ दोनों पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता, दोनों पक्षों के अधिवक्ता भी मौके पर मौजूद है। संभावनाएं जताई जा रही है कि एएसआई की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को आज ही दी जाएगी। आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी केस की बाद में सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी की तरफ से जो सर्वे रिपोर्ट थी उसको लेकर जो अनुरोध किया गया था उसको पूर्ण तरह से स्वीकार कर गोपनीय न रखा जाए। उन लोगों की लगातार ये बात भी आ रही थी रितेश कि गोपनीय न रखा जाए, इसको सार्वजनिक किया जाए। रिपोर्ट सार्वजनिक होने से जनहित का चुकी है, जनहित का मुद्दा है, इसलिए गोपनीय न रखा जाए और जनहित में ही आना चाहिए। तो इसको कोर्ट ने पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए दोनों पक्षों को हार्ड कॉपी देने का आदेश दे दिया है। फिलहाल में अब देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से हलचल तेज हुई है लगभग 2 बजे के बाद पूरी संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट की जो रिपोर्ट है वो मिलने की संभावना जताई जा रही है। इंतजार करना होगा, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं, करीब 2 बजे के बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो उस वक्त निश्चित तौर पर मिल सकती है आज ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र, तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। करीब 100 दिनों तक एएसआई ने सर्वे किया था और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई थी।